साइकोलॉजी कहती है कि महिलाएं अगर कहें कि वह दुखी है और अगर उनकी आंख में आंसू ना हो तो समझो वह दिल से दुखी है। साइकोलॉजी कहती है कि महिलाएं ज़्यादा सीरियस लोगों से दोस्ती करना पसंद नहीं करती हैं। मनोविज्ञान कहता है कि लड़का जब लड़की को उसके नाम से बुलाता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। मनोविज्ञान के अनुसार महिलाओं को पुरुषों की तुलना में काफ़ी अधिक बुरे सपने आते हैं और अधिक भावनात्मक सपने भी आते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार महिलाएं पुरुषों की तुलना में चीज़ों को जल्दी से पा सकती हैं। साइकोलॉजी कहता है कि महिलाएं सभी विवरणों को याद करती हैं जबकि पुरुष आमतौर पर मुख्य बिंदुओं को याद में रखते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार यदि एक आदमी खो जाता है तो वह दिशा और यात्रा की दूरी को याद रखेगा और एक महिला सड़क पर संदर्भ बिंदुओं को याद रखेगी। साइकोलॉजी के अनुसार महिलाओं को पुरुषों की तुलना में निर्णय लेने में अधिक समय लगता है, लेकिन एक बार निर्णय लेने के बाद वो इससे चिपके रहने की अधिक संभावना रखती हैं। मनोविज्ञान कहता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक भावुक होती हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग हमेशा यह साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि वह बहुत अच्छे हैं तो उन लोगों में कुछ न कुछ नेगेटिव चीज़ें ज़रूर होती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो अच्छा होगा वह कभी भी यह साबित करने की कोशिश नहीं करता है कि वह अच्छा है। वह सिर्फ अच्छा बना रहता है, वह कभी जताता नहीं है। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप प्रेम में होते हैं तो यह आपके टैलेंट को बूस्ट करता है, लेकिन हाँ, आपका पार्टनर भी आपका साथ देने वाला होना चाहिए। मनोविज्ञान कहता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें लगभग सारी चीज़ें रंगीन दिखाई देती हैं और रंगों को बहुत कम पहचान पाते हैं। 12 महीने के बाद ही वो रंगों को पूरी तरह से देख पाते हैं। एक शोध में पाया गया है कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको ब्रेन ट्यूमर का खतरा बढ़ सकता है। मनोविज्ञान के अनुसार 80% लड़कियां अपना सारा दुख रोकर निकाल देती हैं जबकि 27% लड़के ही ऐसा कर पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके अवचेतन मन के पास आपकी सारी समस्याओं के जवाब हैं? अगर आप सोने से पहले अपने आप से कहें कि मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूं, तो आपकी नींद ठीक सुबह 6 बजे ही खुल जाएगी।